ऐसा लगता है कि अगर मैं वहां आती तो शायद उनको सूट कर देती, गोली मार देती अगर मैं होती। अगर कानून मेरे हाथ में तो मैं इस तरह की घटना में खुद कर देती, मैं खुद जेल चली जाती, क्योंकि ऐसी वो घटना है वो देख ही नहीं गई। बिल्कुल देख के रात भर उस घटना पे मेरे बहुत मतलब कि तरस आया, बहुत तरस आया। देश के अंदर एक ऐसा सशक्त कानून बनना चाहिए ताकि ये इस तरह के ये जो भी लोग हैं, मेरे मुंह से गाली निकल रही है, जो भी लोग हैं इन तरह को ऐसी यातनाएं मिलनी चाहिए, ऐसी यातनाएं मिलनी चाहिए ताकि कोई भी मतलब ऐसा इस तरह की हिमाकत ना कर। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा चाहते हैं, कड़ी से कड़ी सजा मिले दोषियों को, ऐसी सजा मिले जो आगे से कभी ये लोग जो ऐसा कुछ करें तो इनकी रूह कहाँ पे, और जिन लोगों के मन में ऐसी चीजें चलें उनकी भी रूह कहाँ पे बैठी है। आज वो पढ़ रही हैं, कल पढ़ के कुछ नौकरी भी करेंगी, घर से बाहर भी जाएंगी, तो क्या वो सुरक्षित हैं? बताइए आप मेरे को। शर्मसार घटना है, इसके खिलाफ हम कुछ नहीं चाहते, सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी, जिससे परिवार को इंसाफ मिले, हम लोगों को इंसाफ मिले। 31 तारीख को जो घटना हुई है उसके खिलाफ दो दिन बाद कार्रवाई वो नहीं करते हैं, वो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बचेगी जभी तो पढ़ेगी, तुम इतना बड़ा नारा तो दे देते, उस नारे पे भी कुछ वो क्या कहते हैं वो करते हो, कोई एक्शन लेते हो? बीजेपी तो एक गुंडों की सरकार है, गुंडों की पार्टी, वो तो हमेशा इस तरह का मतलब ये दुराचार करते हैं। हाँ वो तो करते हैं, आपको पता है ये एक्सीडेंट इस तरह का होता है जो 14 किलोमीटर लड़की को घसीटा और घसीट के वहाँ पे दिखा रहे कि ये कपड़े तक लड़की के तन पे कपड़े तक नहीं है, चाहिए ऐसी सजा मिलना चाहिए। और एक देश के अंदर केंद्र सरकार से मांग करते, देश के अंदर एक ऐसा सशक्त कानून बनना चाहिए ताकि ये इस तरह के ये जो भी लोग हैं, मेरे मुंह से गाली निकल रही है, जो भी लोग हैं इन तरह को ऐसी यातनाएं मिलनी चाहिए, ऐसी यातनाएं मिलनी चाहिए ताकि कोई भी मतलब ऐसा इस तरह की हिमाकत ना कर सके, ना कर सके। और मैं बताना चाहूंगा आज इस बेटी के साथ हुआ है, कल हमारे भी घर में बेटी है। पिछले एक महीने से जो है महिलाओं पर बहुत ज्यादा जो है ये केस हो रहा है, बहुत ज्यादा पीड़ित पड़ी जा रही है, किसी पे तेजाब फेंका जा रहा है या किसी बच्चों को भी छोड़ा, 2.5 साल के बच्चे का एक अभी हाल फिलहाल में केस आया था कि भलसवा में 2.5 साल के बच्चे का एक रेप हुआ है, तो कब तक ये चलता रहेगा? मैं बताना चाहूंगा जब तक इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी नहीं सजा मिलेगी ये ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि ऐसा कानून लाए, ऐसा कानून लाए, अगर इनमें से अगर 10 को सजा मिलेगी तो आगे से ऐसा काम करने वालों के दिल कांप उठेंगे, वो डरेंगे, वो मतलब कि अपने आप को इतने भयभीत हो जाएंगे कि कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। और इस बेटी के साथ जो हुआ है इसके लिए मैं खुद अपने दिल से कहना चाहता हूँ इन दरिंदों को ऐसी सजा दी जाए, ऐसी सजा दी जाए कि इनके लिए सारी सजाएँ कम है, जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जब इस बेटी को इंसाफ मिलेगा। और जब भी जो ये दरिंदे हैं जब भी इनको मतलब कि फांसी दी जाए, सारी जनता मांग करती है। क्या लगता है ये एक्सीडेंट है या नहीं? नहीं, ये मर्डर है। ये एक्सीडेंट इस तरह का होता है जो 14 किलोमीटर लड़की को घसीटा और घसीट के वहाँ पे दिखा रहे कि ये कपड़े तक लड़की के तन पे कपड़े तक नहीं है, ये तो एक सोची समझी साजिश है, ये हम इसको मर्डर कहेंगे कि मर्डर है। जब तक हमारे देश में इसके ऊपर कोई सख्त कानून नहीं बनेगा, जब तक इस तरह की घटना होती रहेगी, तो हम माननीय केंद्रीय सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा कानून बना जाए ताकि हमारी बेटी बहन बेटियां सेफ रहे। और एक लड़की एक बहन जो गाड़ी के नीचे 14 किलोमीटर घसीटी जाती है, पीछे जो एक नियम बना था पिंक बूथ बनाया था महिलाओं के लिए, वो अभी भी जगह जगह कहीं तो बने पर वहाँ पे पुलिस तैनात नहीं होती। मैं बताना चाहूंगा मैं जब 14 किलोमीटर एक लड़की को घसीटा जाता है, एक बहन को घसीटा जाता है, उस दौरान प्रशासन कहाँ था? पुलिस की गाड़ी अगर अगर प्रशासन अगर उस जगह मौजूद होता तो ये घटना नहीं होती। प्रशासन अगर उस समय जगा हुआ होता तो ये घटना नहीं होती। एक बेटी को इस तरीके से 14 किलोमीटर घसीटा नहीं जाता। कोई पीसीआर कुछ मिला ही नहीं, कुछ नहीं था वहाँ पे। सर आपने जो पीड़ित परिवार से भी बातचीत करी है उसका क्या? हम पीड़ित परिवार को
मिलकर आए परिवार को आश्वासन देके आए हैं कि हम सारे हम दिल्ली की पूरी सरकार और हम जितने भी आम आदमी पार्टी के हम लोग पार्षद आए हुए हम लोग आप लोगों के लिए एनी टाइम खड़े हुए और जो भी हमसे और हमारे दिल्ली सरकार से जो भी मदद होगी हम वो उनकी मदद जरूर करवाएंगे। ये हम उनको आश्वासन देकर आए। बीजेपी के नेता हैं जो जिन्होंने मदद करी है। हाँ बीजेपी के देखो सुनो आपको पता है बीजेपी तो एक गुंडों की सरकार है, गुंडों की पार्टी है, वो तो हमेशा इस तरह का मतलब ये दुराचार करते हैं। हाँ वो तो करते हैं आपको पता है इस तरीके। अगर और कोई इसमें और कोई पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता अब तक तो उस पर एक्शन ले लिया जाता। तो ये केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार है, भारत सरकार है, अगर वो चाहे तो जीत। और आज 3 तारीख अब तक कोई कल तक कोई सुनवाई नहीं थी। जो होना था तो अगर प्रशासन सख्त होता तो उसके दूसरे दिन ही उस पर एक्शन हो जाता, उस बच्ची को इंसाफ मिल जाता, उन मुजरिमों को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दी जाती। मोदी जी तो काफ़ी मतलब महिलाओं के सम्मान की बातें करते हैं और लाल किले से उन्होंने आंसू भी बहाए महिलाओं के लिए। मैं यही तो आपको बताना चाहूंगा सर, वो झूठे आंसू है, घड़ियाली आंसू है। 31 तारीख को जो घटना हुई है उसके जो खिलाफ 2 दिन बाद कार्रवाई वो नहीं करते हैं, वो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बचेगी जभी तो पढ़ेगी, तुम इतना बड़ा नारा तो दे देते, उस नारे पे भी कुछ वो क्या कहते हैं वो करते हो, कोई एक्शन लेते हो उस नारे पे। और ये जो भी घटना है ये बड़ी शर्मसार घटना है, इसके खिलाफ हम कुछ नहीं चाहते, सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी, जिससे परिवार को इंसाफ मिले, हम लोगों को इंसाफ मिले। दिल्ली पुलिस पे भी सवाल उठ रहे हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? दिल्ली पुलिस के ऊपर तो सवाल उठना एक बनता ही है, क्योंकि जब 14 किलोमीटर किसी बेटी को घसीटा जाता है तो कोई प्रशासन था ही नहीं, सोया हुआ था। दिल्ली का तो सेफ, जिस रात चौदह किलोमीटर नहीं थी, बताइए इसके इसके इतनी दर्दनाक हादसा, बहुत ही दर्दनाक है कि ऐसा लगता है कि अगर मैं वहां आती तो शायद उनको शूट कर देती, गोली मार देती। अगर मैं होती, अगर कानून मेरे हाथ में तो मैं इस तरह की घटना में खुद कर देती, मैं खुद जेल चली जाती, क्योंकि ऐसी वो घटना है वो देख ही नहीं गई बिल्कुल। देख के रात भर उस घटना पे मेरे बहुत मतलब की तरस आया। मैं बताना चाहूँगा आज हमारे घर पे बेटी हैं, आज वो पढ़ रही हैं, कल पढ़ के कुछ नौकरी भी करेंगी, घर से बाहर भी जाएंगी, तो क्या वो सुरक्षित हैं? बताइए आप मेरे को, वो सुरक्षित हैं? आज मेरी बहन रिपोर्टर खड़ी हुई है मेरे सामने, क्या ये लोग सुरक्षित हैं? जब कोई आम बेटी सुरक्षित नहीं है तो क्या ये लोग सुरक्षित हो सकते हैं? तो हमें तो इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा चाहते हैं, कड़ी से कड़ी सजा मिले दोषियों को, ऐसी सजा मिले जो आगे से कभी ये लोग जो ऐसा कुछ करें तो इनकी रूह कहाँ पे, और जिन लोगों के मन में ऐसी चीजें चलें उनकी भी रूह कहाँ पे इस चीज को देख के।